बल्दी डिवीजन जहनुमा में बल्दिया के अहदेदारों ने किया पैदल दौरा। जहनुमा बल्दी डिवीजन के सत्तारबाग, अमजदबाग और दीगर इलाकों में बल्दिया के अहदेदारों ने तफसीली से पैदल दौरा किया। कुलहिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने जोनल कमिश्नर के साथ मुख्तलिफ इलाकों में पैदल दौरा करते हुए मसाइल से वाकिफियत हासिल की। जोनल कमिश्नर को मुख्तलिफ मसाइल से हो रही परेशानियों से वाकिफ करवाया गया। बल्दिया के जोनल कमिश्नर ने तयकुन दिया कि बहुत जल्द उन तमाम कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस मौके पर कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा के हमरा बल्दिया के जोनल कमिश्नर अहदेदारों सरगर्म मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। सुबह एमपी साहब और एमएलए साहब की हिदायत पे जोनल कमिश्नर साहब, ई प्रतिभटी साहब, एडी प्रकाशम साहब, ए सनी साहब के साथ हमारे सीनियर साबिका कारपोरेटर असद बेग साहब के साथ और इब्तदाई कमेटी और वर्कर के साथ तफसीली दौरा कराया गया एमएलए साहब की हिदायत पे। फूलबाग, सत्तारबाग, अमजदुल्ला बाग और फरंगीगुड़ा मॉडर्न टाउन कॉलोनी, इंशाल्लाह ताला एमपी साहब की इस पे 1.5 करोड़ का काम सेंक्शन हो गया है। अमजदुल्ला बाग का जल्द से जल्द स्टार्ट करते हुए के कमिश्नर साहब बोले और बाकी के जो भी काम है एमएलए साहब की निगरानी में इंशाल्लाह जल्द से जल्द काम कंप्लीट हो जाएगा। रैन बाज़ार पुलिस ने कत्ल के मामले को हल कर लिया। तहसीन बेगम के कत्ल में मुलविस मुलजमीन को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। कत्ल की वजह शोहर अपनी बीवी पर शक कर रहा था, रात देर गए तहसीन बेगम का गला काट कर कत्ल कर डाला था। मजीद तहकीकात जारी है। मीडिया से बातचीत करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मीर चौक ने बताया, वाइफ से शादी 2011 में हुआ, उनको 3 मेल बच्चे हैं। इधर ही ऑटो चलाते हुए इधर जीना शुरू कर दिया, उनको उनका बीवी के ऊपर शक हो गया। 1 महीने पहले ये बीवी को मारे तो बीवी उनका फादर मदर के पास टोली चौकी चले गए। टोली चौकी चले गए तो हमारा पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट दिया, हमारा बीवी मेरे को छोड़ के चले गए बोले तो रैन बाजार पुलिस वाले दोनों फैमिली को बुला के, एल्डर्स को बुला के काउंसलिंग करके सॉर्ट आउट करके तुम्हारा किसके ऊपर शक है बोले तो वो टाइम पे वो नहीं बोले थे किसके ऊपर मेरे को ऐसा शक है सब बोले तो दोनों अच्छा रहना बोल के हम काउंसलिंग करके दोनों को भिजाए थे। बट अक्यूज आरिफ को सस्पिशन के इसमें रखते हुए बीवी को मर्डर करने का प्लान करा। सुबह के 1 बजे के टाइम में वो बीवी बहुत डीप नींद में थी, वो तहसीन फातिमा है, वो नींद में थी, उसके चेस्ट के ऊपर बैठ के वो ब्लेड के साथ और चाकू के साथ गला काट दिए। गला काटने के बाद मरने के बाद उनका भाई को फोन करा, वो भाई आदिल आया था, तो दोनों मिलके ये एविडेंस को डिसअपियर करने के लिए कोशिश कर रहे थे। दोनों जाके उनका ऑटो में से पेट्रोल निकाल के याकूतपुरा नाला के पास जाके उनका ब्लड स्टेन क्लॉथ्स और चाकू को पूरा दोनों को जला दिया। जला दिया चाकू का भी वो वुडन ग्रिप रहता ना वो जल गया था। दोनों को एविडेंस को डिसअपियर करने के लिए ट्राई करे और ऑटो लेके बॉडी को शिफ्ट करने के लिए ट्राई करे मगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो पुलिस स्टेशन फोन करे, मेरे बीवी को कोई मर्डर करा बोल के इन्फॉर्मेशन दिए थे। बल्दी डिवीजन मलकपेट में फ्री मेडिकल कैंप। ओल्ड मलकपेट में कुलहिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह रुकने असम्बली हलके मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के हाथों अमल में आया। मुख्तलिफ अमराज के डॉक्टरों ने मरीजों के चेकअप्स करते हुए मुफ्त दवाओं की तकसीम की। इस मौके पर रुकने असम्बली के हमरा नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा सरगर्म मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com।